International School Online Classes. How are you student? I think everyone is fine there. Take care of yourself, beta. Class, यानी कक्षा कौन सी आपकी? First. और आज हम subject कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बेटा? कौन सा subject है ये? Maths. Maths में हम करेंगे हमारी book का last page, जिसका number क्या है? 116. कितना? 116. इसमें हम करने जा रहे हैं exercise number A, sorry 1 और 2. वन और टू हम दो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 116 और मैम के साथ साथ एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. ठीक है बेटा, क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज? राइट 151 to 160. आपने 151 से 160 तक की क्या लिखनी है? काउंटिंग लिखनी है. पर कितनी बार? एक बार नहीं, टू टाइम लिखनी है. कैसे लिखेंगे बेटा? 151 से शुरू करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. 151 152, इस तरीके से बोल बोल के लिखना है आपने. 153 154 155 156 157 158 159 और 160. अब देखोगे बैठ बेटा, आप अपनी बुक में जस्ट इसी के नीचे एक और इसी तरह का बॉक्स बना हुआ है. मैम ने ये वन टाइम काउंटिंग लिखी, ऐसे ही आपने काउंटिंग को दोबारा से एज इट इज लिखना है. 151 से लेकर 160 तक, यानी आपने टू टाइम लिखना है अपनी बुक के अंदर. ओके, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर टू. क्या है बेटा इस एक्सरसाइज में? राइट इन द लॉन्ग फॉर्म. आपको ये जो नंबर दिए गए हैं इसे कैसे लिखना है? लॉन्ग में, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसे लंबा करके यानी बड़ा करके लिखना है, इसे खोल कर लिखना है. ओके, और क्या लिखना है? ऑल्सो राइट द नंबर नेम. और जो ये जो नंबर दिए इसकी क्या लिखनी है? नेम, यानी इसकी स्पेलिंग भी लिखनी है. ठीक है, चलो फिर इसको करते हैं. फर्स्ट नंबर क्या है? 115. इसे हम अगर खोल के अगर हम बड़ा करते हैं, लॉन्ग फॉर्म करते हैं, तो कैसे होगा? कैसे होगा देखेंगे. सबसे पहले मैम आपको थोड़ा उल्टा बताते हैं. क्या है ये? 5 कितने हैं? 1s प्लस 1 कितने हैं? ये 10. तो 1 के आगे कितने जीरो लगेंगे? ये कितना डिजिट छोड़ा हुआ है? 1 डिजिट. तो कितने जीरो लगेंगे? 1 प्लस. अब ये वाला वन हम देखते हैं, लास्ट वाला, इसे हम लिख रहे हैं. अब इस वन को हम कितने जीरो लगाएंगे? कितने डिजिट है? 1 2. कितने डिजिट छोड़कर ये वन है? 2 डिजिट. तो इसे कितने जीरो लगेंगे? 2. इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है. ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया? 115 लिख दिया. अब हमें इसकी क्या लिखनी है? नंबर्स नेम भी लिखेंगे. चलो लिखते हैं. ओ एन ई 100 HUNDRED 115 FIFTEEN 115. अब हम इसे भी फिर से लॉन्ग फॉर्म करते हैं. कैसे करेंगे? अब अगर मैं यहां से शुरू करूं, ये वन, इस वन से शुरू करूं 100 से, तो 100 को मुझे कितने जीरो लगाने हैं? उससे पहले कितने डिजिट छोड़े हुए उसको हमने काउंट करना है. कितने? 1 2. कितने हैं? 2. तो मुझे कितने जीरो लगाने हैं यहां पर? 2 प्लस. अब मैं देखूंगी इस जीरो को, डी जीरो के आगे कितने डिजिट छोड़े हुए हैं? 1. पर जीरो का हम जीरो भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? क्या है ये? 9. तो 9 का क्या आएगा? 9 के आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो कोई जीरो भी नहीं लगेगा. तो ये क्या बन गया? 109. अब हम इसका नंबर नेम लिखते हैं. 100 HUNDRED 100 क्या है? 9 NINE 9. इस तरीके से आपने बोल बोल कर लिखना है. ओके, अब क्या है बेटा? 136. अब हम 1 से शुरू करते हैं. अब इस 1 से शुरू कर रहे हैं. 1 कितने जीरो लगेंगे? कितने डिजिट छोड़े हुए? 2. तो कितने जीरो लगेंगे इसे? 2 प्लस. अब हम देखते हैं बेटा इस 3 को. 3 को लिख रही हूं मैं.
थ्री के आगे कितने जीरो लगेंगे, कितने डिजिट छोड़े गए, वन डिजिट है, तो क्या इसे जीरो लगेगा, वन। और सिक्स का क्या आएगा, सिक्स, क्योंकि सिक्स के आगे कोई नंबर है ही नहीं, उसको जीरो लग ही नहीं सकता, तो क्या बन गया ये 136। चलो लिखते हैं, ओ एन ई 100, एच यू एन डी आर ई डी 100, कितने हैं 36, टी एच आई आर टी वाई 36, एस आई एक्स 6, 136। नेक्स्ट क्या बेटा 163, अब ये 1 से शुरू करते हैं, क्या है ये 1, कितने जीरो लगेंगे, कितने डिजिट छोड़े हुए हैं, 1 2, तो इसे 20 प्लस। अब हम देखेंगे 6 को, 6 को कितने जीरो लगेंगे, उसके आगे कितने डिजिट छोड़े हुए हैं, 1, तो 10 लगेगा। और 3 का क्या आएगा, 3, ये बेटा प्लस करके लिखना है आपने, ओके 163। अब हम इसे लिखते हैं, ओ एन ई 100, एच यू एन डी आर ई डी 100, कितने हैं 63, एस आई एक्स टी वाई 60, टी एच आर डबल ई 3, 163। ओके बेटा, आई होप आपको ये एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आई होगी। सभी बच्चों ने वीडियो को देखकर समझकर इस वर्क को कंप्लीट करना है और चेकिंग के लिए वर्क भी सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा, टेक केयर।